वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को कुछ भी करा सकती है, जो आप चाहें। यदि कोई व्यक्ति वशीकृत है और वशीकरण करने वाला व्यक्ति उसे आपको मारने को बोलेगा तो वो मार देगा। यकीन नहीं होता ना, मुझे भी नहीं हुआ था। ये ट्रेलर देखो, सब यकीन हो जाएगा। शैतान का ट्रेलर है 2 मिनट 26 सेकंड का, लेकिन इस ट्रेलर ने लोगों को थिएटर बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। इवन जो इसमें इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं वो काफी खतरनाक हैं, जैसे चाय की पत्ती का पूरा पैकेट खा जाना। लगता है यहाँ पर मूवी के मेकर्स ने पुणे सुपरस्टार के कंटेंट को देख लिया होगा, या फिर अपने ही फादर को चाकू मार देना और लास्ट वाला गैस की टंकी को खोलकर उसके ऊपर बैठकर अपने ही आप को उड़ाने की कोशिश करना। इसे तो देखकर मेरी ही फटकर चार हो गई थी। वैसे ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि मूवी की स्टोरी होगी एक फैमिली की, जहां 3 लोग रहते हैं। फिर वहां एंट्री होती है एक अननोन गेस्ट की, मतलब जिसे परिवार में कोई जानता ही नहीं, जो सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए आया होता है, बट उसे 15 मिनट से कहीं ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्या वो सच में अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए आया था या नहीं, ये तो ट्रेलर के हल्का आगे जाने पर पता चलता है। जब उसे घर से जाने के लिए कहा जाता है तो भी नहीं मानता, वहीं बैठा ही रहता है और जबरदस्ती करते हैं तो तब तक वो उसकी बेटी को वशीकृत कर चुका होता है और वो जैसा कहता है उसकी बेटी वैसे ही करती है। अब क्या वो फैमिली अपनी बेटी को उससे बचा पाती है या नहीं और उसका सामना कैसे करती है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। ट्रेलर में आर माधवन का तांत्रिक वाला लुक भाई आउटस्टैंडिंग है, और जो ट्रेलर के एंड में अजय देवगन के चारों तरफ नरभक्षक वाला शॉट है वो सुपर्ब है। वैसे मैंने वर्ष मूवी देखा नहीं जिसका रीमेक है शैतान, तो इसे देखना तो कंफर्म है और ट्रेलर से भी गुड वाइब्स आ रही है। भूत प्रेत वशीकरण इन सबको डरावने बीजीएम के साथ सुनते और देखते हैं तो अलग ही लेवल की फीलिंग आती है, और इसका बीजीएम भी कुछ वैसी ही वाइब्स दे रहा है हॉरर टाइप। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो इसका बीजीएम काफी अच्छा है। वैसे इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विकास बहल, जिन्होंने गणपत, सुपर 30, क्वीन जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। ओवरऑल बोलूं तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। वैसे ये मूवी 8 मार्च को रिलीज होगी। आप बताओ गाइस, आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो।